काबुल एयरपोर्ट में हुए हमलों पर अमेरिका ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। साथ ही ये साफ कर दिया है कि इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन ISIS को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद से साफ हो गया है कि अमेरिका हर हरकत का बदला लेगा। काबुल हवाई अड्डे पर हुए बम ब्लास्ट के 48 घंटों के भीतर ही अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ISIS के ठिकाने पर ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के साजिशकर्ता को मार गिराया है। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक सामने दो फिदायीन हमले हुए। इन हमलों में अब तक 103 लोगों की जान गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इनमें अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमले में मारे गए 13 अमेरिकी सैनिकों का बदला लेने की प्रतिबद्धता जताई और इसके लिए जिम्मेदार आतंकवादियों से कहा जिन्होंने यह हमला किया, और साथ ही जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है उन्हें बता दूं कि हम बख्शेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं, हम तुम्हें मार गिराएंगे और तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मैं अपने हितों और अपने लोगों की रक्षा करूंगा। एयरपोर्ट पर हुए इस हमले की ISIS ने जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगहर प्रांत में जवाबी हमला किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के बाद से ही स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में इस हमले के बाद से ही लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जहां एक तरफ सैकड़ों लोग देश छोड़कर जाने के लिए एयरपोर्ट पर आस लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट में तालिबानी घुस गए हैं और एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। ये वही एयरपोर्ट है जहां अमेरिका का कब्जा था और दुनिया अफगानिस्तान से जुड़ी हुई थी। तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीम ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री हिस्से में 3 महत्वपूर्ण स्थानों को अमेरिकियों ने खाली कर दिया और अब वो इस्लामिक अमीरात के नियंत्रण में है। अब एक छोटा सा हिस्सा ही अमेरिकियों के पास बचा है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।